प्रश्न दिया है कि 2 पावर 10 गुणे 10 6 पावर 7 गुणे 3 पावर 8 गुणे 5 पावर 17 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जितने भी फैक्टर होता है, ठीक, उनकी संख्याओं निकालना, मतलब कि अभाज्य प्राइम रूप में। जैसे मान लेते हैं कि अगर 10 का जो है प्राइम रूप में तोड़ेंगे तो 2 और 5 इसको भी तोड़ेंगे तो ये बनेगा अभाज्य के रूप में, तो इसके जो है टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 2 ठो। इसी प्रकार जो है इन सभी का भी इसमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं कि ये और भी अभाज्य रूप में तोड़ देते हैं। जैसे 6 जो है बड़ा संख्या है, इसको भी तोड़ेंगे तो इसमें जो है 2 गुणे 3 बनेगा, तो 2 पावर 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको तोड़ सकते हैं, यानी 2 पावर 10। 6 को तोड़ेंगे तो 2 पावर 7 गुणे 3 पावर 7, 3 पावर ये 8 खुद आभाज्य है, 5 पावर जो है 17। तो इस प्रकार देखेंगे तो 2 जो है टोटल 17 हो जाएगा पावर, यानी बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, यानी 2 जो है यहाँ पर 10 यहाँ पर 7 तो टोटल 17 हो जाएगा। 3 पावर यानी यहाँ पर 7 है यहाँ पर 8 है तो टोटल कितना हो जाएगा 15, और 5 पावर कितने हो जाएंगे 17। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सभी को पावर में आपस में जोड़ देते हैं, यानी 2 पावर 17 है तो 17 ले लेंगे, 3 पावर 15 है तो 15 ले लेंगे, और 5 पावर 17 यानी सभी को जोड़ेंगे तो 17 और 15 जो है 32, 32 में 17 जोड़ेंगे तो 49। और इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य भाजक क्या होगा, जो डिविजर अभाज्य के रूप में क्या होगा, तो कौन ये प्राइम नंबर में है तो 1 ठो है, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर टोटल 3 अभाज्य भाजक हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 49 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है कि 6 पावर 10 गुणे 7 पावर 17 गुणे 11 पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 6 को और भी बेसिक तोड़ेंगे, यानी प्राइम के रूप में अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 10 गुणे 3 पावर 10, 7 पावर 17 गुणे 11 पावर 27। तो इसमें सभी जो है अलग अलग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के रूप में है, तो इसके टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, केवल पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ये 10 है, ये 10 यानी 27, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 64 हो जाएगा, ठीक, यानी 20 और 17 जोड़ेंगे तो 37, 37 में जो है 27 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तीसरा पूछा कि अभाज्य 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये टूटेगा 2 से, फिर 3 से ले जाएंगे, फिर 5 से ले जाएंगे, फिर 7 से जाएगा तो 7 से ले जाएंगे, 1, 7, 28, 17, 21, फिर 11 से जाएगा 13 से, फिर 13 से एक बार में, यानी ये बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 के रूप में बनेगा। तो ये टोटल इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो टोटल हो जाएंगे 6, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। दिया हुआ कि 4 पावर 11 गुणे 14 पावर 5 गुणे 11 पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों के यानी घटकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले उसको जो है अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे, तो ये 4 जो है 2 पावर में 11, फिर 2 पावर 11 के रूप में टूटेगा, 14 भी टूटेगा, 2 पावर 5 गुणे 7 पावर 5 के रूप में, 11 खुद ये अभाज्य संख्या के रूप में है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे 2 कितने बार है, तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 5, यानी टोटल हो जाएगा 27 बार, और 7 पावर 5 गुणे 11 पावर 2 टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो क्या करना है, केवल जो है पावर को जोड़ देना है, ये टोटल आएगा 32 2 34, यानी ऑप्शन नंबर ए। 5वें प्रश्न में दिया हुआ कि व्यंजक 6 पावर 4 गुणे 8 पावर 6 गुणे 10 पावर 8 गुणे 12 पावर 10 के रूप में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में और तोड़ेंगे तो 6 बनेगा 2 और 3 के रूप में, 8 बनेगा 2 पावर 3 के रूप में, और ये बनेगा जो है, यानी सबसे पहले देख लेते हैं, तो 2 गुणे 3 पावर क्या बनेगा 4, फिर गुणे 8 को भी तोड़ेंगे तो 2 पावर 3, फिर पावर 6 हो जाएगा क्योंकि 8 पावर 6 है। उसी प्रकार 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5 पावर 8, फिर गुणे 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 पावर 2 गुणे 3 पावर टोटल 10, यानी इस पर जो है 2 पावर कितना बनेगा 4, 3 पावर 4, इसमें जो है टोटल पावर पर पावर रहता है तो पावर में आपस में गुणा हो जाता है, यानी 3 6 18, 2 पावर यहाँ पर 18 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अलग अलग देखिए, किसी भी फैक्टर के ऊपर टोटल पर पावर 8 होता है, तो इसमें जितने भी फैक्टर बनेंगे उन पर भी जो है टोटल पर भी पावर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर पावर 8 है तो 2 पर भी पावर 8 हो जाएगा, 5 पर पावर भी 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी 2 पावर 2 है और पावर जो है टोटल पे 10 है, तो यहाँ पर 20 बन जाएगा क्योंकि पावर में पावर गुणा होता है,
और 3 पर भी पावर क्या हो जाएगा 10। अब देखेंगे 2 की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 18, 22, 22, 8, 30, 30, 20 कितनी हो जाएंगी 50। 3 का देखेंगे तो 3 का यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, यानी 3 का कितना हो जाएगा टोटल 14। तो इसमें जो है 5 भी है यहाँ पर, तो 5 पावर 8 यानी टोटल जो है 2 का 50 है, 3 पर पावर 14 है और 5 पर पावर 8 है। तो हमको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो सभी के पावर को जोड़ देंगे, तो 50, 14 और 8 को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 64, 8, 72, यानी ऑप्शन जो है आंसर में 72 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि 64 गलती है, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 30 पर पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 30 को तोड़ेंगे तो 30 टूटेगा 2 × 3 × 5 पर पावर, और इस पर पावर 211 तो इस पर भी पावर 211 देंगे। इसका मतलब कि 2 पर भी पावर 211 हो जाएगा, 3 पर भी पावर 211 हो जाएगा और 5 पर भी पावर 211 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो सभी के पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 211 कितना हो जाएगा, तो 633 हो जाएगा। और अभाज्य भाजक पूछा है, अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभाज्य भाजकों की संख्या टोटल 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्या 1, 2, 3 को है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 175 के 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। इसका मतलब कि 175 को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 175 को 1 × 175 एक तरीका हुआ, फिर इसको 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लेते हैं, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, तो ये 5 से जाएगा लगभग जो है 5 × 15 = 5, 5 × 25 यानी इतना बनेगा, और ये 7 से भी जाएगा तो 7 से लगभग जो है कितने बार में, तो 25 बार में। अब जो है इसके लिखने का तरीका नहीं है, लगभग 3 तरीके होंगे, तो ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न कि 180 को 2 गुणनखंड के गुणा के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब कि इसका भी जो है प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका और भी तरीका है, अगर इसको हम जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 180 को अगर गुणा के रूप में देख लेते हैं सबसे पहले, तो 1 × 180 होगा, 2 × 90 होगा, 3 × 60 बनेगा, 4 × 45 बनेगा, 5 × 36 बनेगा, 6 × 30 बनेगा, और 7 से 8 से नहीं जाएगा, 9 से ये 20 बार में जाएगा, फिर उसके बाद 10 से ये 18 बार में, और ये 12 से 15 बार में। तो इसके टोटल तरीके होंगे, एक तरीका ये है, तो टोटल इसका जो है कितने तरीके हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरीके, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका एक और अलग तरीका है कि 180 को हम जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब कि तोड़ करके देखेंगे कि इसके टोटल भाजक कितने होंगे। तो इसको तोड़ा जा सकता है 180 को 2 पर पावर 2 × 3 पर पावर 2 × 5 के रूप में तोड़ा जा सकता है, इसलिए इसका कुल भाजक कितने होंगे। तो कुल भाजक निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं, यानी पावर यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाएगा, इसमें भी पावर 2 है तो 1 बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे, तो ये भी 3 हो जाएगा, और 5 पर पावर 1 पहले से रहता है यानी 1 साइलेंट है, इसमें भी 1 जोड़ करके इसमें पावर 2 हो जाएगा, तो 3 × 9 × 2 = 18, यानी टोटल जो है 18 भाजक होंगे, जो कि जो है अगर गुणा के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखे जाएंगे 9 तरीके रूप में, 2-2 गुणनखंड के रूप में लिखे जाएँ तो टोटल 9 हो जाएगा, इसलिए इसका जो है तरीका टोटल 9 होगा, ऑप्शन नंबर पी।